इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, मैं हूं तरुण कुमार और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए अब आपको बताते हैं अभी तक की ताजा खबर। हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव। मैं रूप सिंह यादव, इंडियन न्यूज परिवार की तरफ से पूरे भारतवासियों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अभी हम मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के गंज बाजदा शहर से 16 किलोमीटर दूर उदयपुर नीलकंठेश्वर महादेव धाम पर आए हुए हैं। ये जो स्थान है 10वीं सदी का बना हुआ बताया जाता है। ये काफ़ी प्राचीन और काफ़ी भव्य स्थान है। यहाँ पर भक्तों की काफ़ी मान्यताएँ हैं। यहाँ पर महाशिवरात्रि के दिन हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु लोग आते हैं और महादेव के दर्शनों का लाभ उठाते हैं। इस भव्य मंदिर पर 3 प्रवेश द्वार दिए गए हैं। एक तरफ से आप देख रहे हैं महिलाओं को प्रवेश कराया जा रहा है और दक्षिण दिशा में जो द्वार है उस द्वार से पुरुषों को प्रवेश कराया जा रहा है और जो पूर्व दिशा की तरफ प्रवेश द्वार जो बना हुआ है उससे सब लोगों की निकासी की जा रही है। यहाँ पर प्रशासन के द्वारा हर साल काफ़ी व्यवस्थाओं को बनाया जाता है। पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, सारी ये आप जो भक्त महिलाओं को देख रहे हैं ये जो हैं सुबह 4 बजे से इसी तरह मंदिर में भव्य प्रांगण में महिलाओं की और पुरुषों की भीड़ देखी जा रही है। यहाँ माना गया है कि यहाँ के दर्शन करने वाले भक्त अपनी मनोकामनाओं को लेकर आते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण होता पाते भी हैं। इस भव्य मंदिर को माना गया है कि 10वीं सदी में एक ही रात में बनाया गया है। यहाँ पर कई वैज्ञानिकों ने शोध भी किया हुआ है, उसमें भी उन्हें प्रमाण दिखा गया है कि ये भव्य जो मंदिर है एक रात में ही बनाया गया है। इस भव्य मंदिर को जिस शिल्पकार ने बनाया गया है उसे बड़ी ही बारीकी और बड़ी ही सुंदरता के साथ एक एक मूर्तियों को बनाया गया है। इस भव्यता को एक ही पत्थर पर बनाया गया है। यहाँ पर हजारों प्रकार की प्रतिमाओं को स्थापित इसी पत्थर पर बनाया गया है। लेकिन मुगल शासक के समय पर बताया जाता है कि इन प्रतिमाओं को मुगलों के द्वारा खंडित किया गया था। आप देख सकते हैं यहाँ की हर एक प्रतिमाएं खंडित हैं। इस भव्य मंदिर की जो आस्थाएं हैं, भक्तों को जो श्रद्धा है वो उनकी अवश्य ही पूरी होती है। यहाँ के पुजारी द्वारा, यहाँ के मंदिर के जो मेन पुजारी हैं उनसे हमने जब बातचीत करी तो उनका मानना ये है कि पहले तो यहाँ बहुत कम संख्या में लोग आते थे लेकिन अब यहाँ लाखों की संख्या में तादाद में भक्तजन आते हैं और उनकी अपनी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए दिन ब दिन इस मंदिर के प्रति भक्तजनों की आस्थाएं बढ़ती जा रही हैं। इंडियन टीवी न्यूज़ से कैमरामैन हरि फोटो के साथ रूप सिंह यादव। 5 लाख की जनता, 1 लाख संपर्क पब्लिक आज मेले में पहुंचे। कितने साल हो गए मुझे इस मंदिर को, कितनी रात में ये मंदिर बनाने को बनाया? ये सर 10वीं सदी के निर्माण में इस मंदिर का लेख आता है। 1080 से इसका कार्य आरंभ हुआ था और 1139 तक करीब 55-60 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण चला था। और एक रात का जो एक जो विजन है वो दरअसल शिव जयंती है, लोगों को ऐसा कहना है। बाकी ये कुंभ नक्षत्र में इसको असेंबल किया जाता था और शेष जो 26 नक्षत्र अश्विनी भरणी आदि होते हैं उनमें पत्थर को बाहर डिजाइन किया जाता था। फिर 27वें दिन जब वो नक्षत्र आता था तो इसको असेंबल करते थे, फिर 26 दिन, फिर 27वें दिन, ऐसे करके 30-35-40 वर्ष करीब इसमें लगा हुआ है। महाराज जी, शिवरात्रि पर्व पर क्या क्या विशेष पूजा होती है? विशेष पूजा नहीं है सर, ये बहुत बड़ा दिवस है एक तो भगवान का, दूसरा क्या है कि यहाँ जो शिवलिंग है वो 1000 वर्ष पुराना शिवलिंग है और ये जो स्ट्रक्चर है ये भी असाधारण नहीं, साधारण नहीं है, ये विरल है, ये रेयर है, हर जगह प्राप्त नहीं होता है। तो शिवलिंग का जो दर्शन है, बाकी दिनों में तो कवर से शिवलिंग को हम आवरण को ढक करके रखते हैं जो कि ASI के अंतर्गत है और शिवलिंग का कोई क्षरण ना हो, क्षति ना हो, इसलिए सुरक्षित रखा जाता है। आज के दिन केवल महापर्व को देखते हुए आवरण बाहर जाता है और भक्त जो आते हैं उनको आज शिवलिंग का दर्शन प्राप्त होता है, ये इस मेले की विशेषता है। कितने श्रद्धालुओं को आने का अनुमान आपको होता है कि शिवरात्रि में इतने श्रद्धालु उपस्थित होंगे? मैं आपको बता चुका हूँ कि 5000 लोगों का करीब जो मेला था वो आज 1 लाख से ऊपर पब्लिक यहाँ आ चुकी है, आप देख सकते हैं। और महाराज जी, यह बताया जाता है कि यह मंदिर एक रात में बना हुआ है और यहाँ पर जो कारीगर है, कारीगर को पत्थर बन गया है, उसका क्या रहस्य है? ये दरअसल किंवदंतियां है, जो साइंटिस्ट लोग आए हैं जिनने शोध किया है उन्होंने बताया है उसकी मुद्रा को देखते हुए कि ये ध्वज बहा के ध्वज फहराने वाला है, वो वीरासन में बैठा हुआ है, जो प्राचीन वैदिक परंपरा है हमारी
अंतर्गत जैसे ध्वज फैलाने वाला व्यक्ति बैठता है उस अवस्था में वो बैठा हुआ है, और उसके जस्ट ऊपर जो मंदिर की गुम्बद है उसमें भी हॉल है जिसमें से डंडा निकाला जा सकता है। तो परिस्थिति को देखते हुए साइंटिस्टों ने बताया कि ध्वज फहराने वाला है। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर और हर खबर से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। नमस्कार। इंडियन टीवी न्यूज देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।